हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेले बुलेटिन पूजा के साथ। खबर सतना जिला से है, जहां के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुकुंदपुर के प्रभारी प्राचार्य रणधीर सिंह के ऊपर निलंबन के गाज गिरी, जिसके बाद उनका इस समय जिला शिक्षा कार्यालय व संबंध कैदीन का है। बताबा जात है कि मुकुंदपुर के प्रभारी प्राचार्य रणधीर सिंह दो स्थानांतरित मास्टरन के LPC का जारी नहीं करत रहे, एक साथ है उनके ऊपर मनमानी के आरोप खलाए लगे। हम चुनाव के सिलसिला में ही कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प के संगे पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन जिला के नगरी और जनपद मुख्यालय में ही जाए के व्यवस्थान के जानकारी जुटाएं। इस समय अधिकारी मतदान सामग्री स्ट्रांग रूम आदि के निरीक्षण करें और जरूरी दिशा निर्देश खलाए दी। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आज का भ्रमण रखा गया है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। सेंसिटिव केंद्र, क्रिटिकल केंद्र, इन सबका आकलन किया जा रहा है। रेवेन्यू और पुलिस की टीम ज्वाइंट मिलकर टीम के रूप में कैसे काम करे, ज्वाइंट भ्रमण करे। स्थानीय निर्वाचन को देखते हुए आज हमने और SP साहब ने पूरी टीम के साथ ऐसे सभी स्थल जो कि रूरल और अर्बन चुनाव के हिसाब से जहां पर स्ट्रांग रूम बनना है, जहां से सामग्री वितरण होनी है, सामग्री वापसी होनी है, जहां पर काउंटिंग होनी है, जहां सारणीकरण होना है, उन सभी परिसर को, उन सभी बिल्डिंग्स को और जो लोकल टीम है जिनको ये चुनाव कराना है अर्बन के और रूरल के, उन सभी के साथ हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। बुलेटिन की अगली खबर हनुमाना थाना क्षेत्र के पिपराही चौकी से रही, जहां के धनुयार जंगल के लगे भटिया नाला माही बुजुर्ग विश्राम सिंह के शव मिला है। बतावा जात है कि वृद्ध मिलिया सीधी जिला के रहे वाले रहे, जी अपने बिटिया के घरे वीरा देवी हनुमाना जाए खातिर निकले रहे। फिलहाल घटना के निरीक्षण करके FSL की टीम सबूत इकट्ठा कर शव का पोस्टमार्टम खातिर भेज दी है। रीवा माही जिला सड़क सुरक्षा समिति रीवा के तहत बस चालकन के आंखी और उनके सेहत के जांच करें, एक खातिर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराज्यीय बस स्टैंड समान माही शिविर के आयोजन कीन गा रहा, जहां चालकन के आंखी के जांच कई के उनका चश्मा के नंबर दीन गा। शिविर माही परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी खलाया अपन सहयोग करें। ये सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा कॉमर्शियल वाहन चालकों का एक मेडिकल चेकअप चल रहा है, जो हमारे पुराने बस स्टैंड के बगल में जो थाना बना हुआ है, थाने के बगल में ये कैंप का संचालन हो रहा है। इस कैंप में अभी तक करीब 300 से 400 लोगों का, चालकों का जो कमर्शियल वाहन चलाते हैं, उनका मेडिकल टेस्ट, जिसमें विशेष रूप से आँखों का टेस्ट कराया गया है। और इसी तरह का ये शिविर जिले के चौराटा, सुहागी और हनुमाना जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ भी कराया जाएगा। और लोगों से अनुरोध है, सभी बस ऑपरेटरों से अनुरोध है, ट्रक ऑपरेटरों से अनुरोध है, ट्रांसपोर्टरों से अनुरोध है कि अपने चालकों का होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आ सके, क्योंकि जब भी किसी भारी वाहन से कोई सड़क दुर्घटना होती है तो मृत्यु होना तय ही होता है जिससे वो टक्कर लगती है। इसलिए सर आपके मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि लोग अपना कमर्शियल वाहन के चालक का मेडिकल टेस्ट आवश्यक रूप से कराएं। धन्यवाद। रीवा जिला माही हर्षोल्लास के साथ कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्वामी विवेकानंद पार्क रीवा माही कार्यक्रम के आयोजन कई के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के कार्यक्रम के सफल आयोजन करी, जो माही सब कार्यकर्ता उपदाधिकारी अपन अपन विचार रखीन और जन्मदिन मनाई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गडकरी ब्रिगेड रीवा मध्य प्रदेश के युवाओं द्वारा गरीबों को फल वितरित करते हुए
रीमा माही 5 दिनों से अगस्त क्रांति मंच घोटालेबाज इंजीनियर हरीश शर्मा के ऊपर कार्रवाई के मांग और उपयंत्री के वाहन से घायल और मृतक कमलेश के परिवार के मदद खातिर गुहार लगावत रहे। जेके खातिर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी के संगे परिवार के कुछ जने घलाए 5 दिनों से अनशन माही बैठ रहे। एडीजी और एसपी वहां पहुंचे और अनशन का खत्म कराए खातिर बात कही। अगर बच जाता हम वही हम लोग देखिए पूरा प्रयास करें। आज मेरी आपसे बात भी हुई बहुत बड़ा बिजनेसमैन लगता है कि हम एक वही किसके लिए क्या ले रहे हैं, वही रास्ते बचते हैं गांधी और एक अब रास्ता बस्ता ठीक है बट मैं मतलब फिजिकली टूट जाऊंगी तो फिर तू कुछ करने लायक मैं मदद ही नहीं कर पाऊंगी। शरीर में दम नहीं है, शरीर में दम नहीं रहा था। पैसे ना लेंगे जैसे इन्होंने फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से बट उतना ही ना किया लेकिन उतना नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बहुत मतलब। रीमा माही बिटिया का झापड़ मारे से बात शुरू भय तो युवक के ऊपर चाकू से हमला करके हत्या कर दी गए। अपने को बताया दी कि बीच बचाव में युवक के भाई खलाए घायल हो गया हवे। वही घटना के बाद आरोपी मौका से फरार हो गई। हम घायल का ही संजय गांधी अस्पताल में इलाज खातिर भर्ती करावा गा रहा जहां ओखर मौत हो गई हवे। घटना के बाद से दोनों आरोपी भाग गए जिनकर खोज माही पुलिस जगह जगह दबिश दे रहा हवे। अपने को बताया दी कि इस अलगी घटना रीमा के कबाड़ी मोहल्ला के बताई जाती है। क्या नाम है किसका? आपका? बाल्मीक सिंह। क्या घटना हुई है? घटना हुई है ना, दोनों नशा कर रहे हैं। एक तो मेरा भाई ना छोटा वाला तो मतलब 26 रहता है, पागल टाइप का, उससे लड़ाई झगड़ा हो गया है। वो जो प्रमोद था वो तो छुड़ाने गया है तो उसको पगलाइटी दिखा रहा था, चाकू मार दिया। क्या नाम है आपका? जय सिंह। बताइए चाकू की घटना हुई है क्या? चाकू घटना हुई है, छोटी से एक बिटिया खेल रही थी उसके घर तरफ चली गई है, सुजीत लोनिया उसको मार दिया। हम लोग गए उसको तो हम लोग को चाकू दिखा कर धमकी दे रहा था तो हम मार दिए। एक लप्पर तो नशा कर रहे था तो और दगेत के चाकू मार दिया। अपने कबाड़ी मोहल्ला थाना सिविल लाइन में जो मामले का अपराध क्रमांक है 264/22 धारा 294/307/506/34 का फरियादी है। इसके जो प्रमोद का चचेरा भाई है ये गए उसके यहाँ कुरहन देने संत प्रदीप लुनिया के यहाँ और एवं उसके भाई सुजीत लुनिया के यहाँ, तो वो जो है उत्तेजित हो गए और माँ बहन की गालियाँ देते हुए जो है बोले तुमको बताते हैं और उसको छुरा लेकर के दोनों दौड़ा लिए। दोनों दौड़ते हुए जो है यहाँ नेशनल कॉरपोरेशन ट्रांसपोर्ट दुकान है वहाँ पे पहुँचे तो ये सुजीत लुनिया जो है प्रमोद लुनिया को पा गए और पेट में बाएं तरफ छुरा मार दिया। वहीं पे जब गिर गया तो फरियादी जो है जय सिंह लुनिया बीच बचाव करने के लिए उसको नीचे मने हुआ तो इसके मने हिप्स में पोंद में उसके भी 2-3 छुराए प्रदीप लुनिया मार दिया। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहे अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।